ज्ञान आप बीजी दीकरी सुंदरी ए सुंदरी ने छे एने अंक नु ज्ञान आप 1 2 3 4 1 2 3 तमारी भाषा में तो आ रीते अक्षर ज्ञान ने अंक ज्ञान आ अवसर पीढ़ी नी अंदर जो सौ प्रथम कोईए पण प्रगट कर्यु होय तो ए जे छे ए आदिश्वर परमात्मा छे। कोई एम के आनु प्रमाण शू शू आनु प्रमाण मैं तमने कीधु ने तमे मानी लीधु ना आपणा 45 आगमो छे अने 45 ए 45 आगम नी अंदर भगवती जी सूत्र जे पांचमू अंग कहेवामां आवे छे अने ए भगवती सूत्र ना मंगलाचरण नी अंदर भगवान कहे छे के नमो पंबिये लीविये सरस्वती जी ने प्रणाम करीने भगवती सूत्र जी नु मंगलाचरण करे छे अने एना मंगलाचरण नी अंदर सरस्वती देवी नु बीजू नाम जे छे ए बीजू नाम ए ब्राह्मी पाड़े छे सरस्वती तरीके पण तमे ने ओळखी शको छो अने तमे जे छे एने ब्राह्मी तरीके पण ओळखी शको छो। जैन शासन नी अंदर सरस्वती माता नी 4 पीठो छे कदाच कोई ने खबर होय अमारा निकुंजभाई गुरुजी हमने तमने एक वात करी गया जो तमारा ध्यान मा होय तो सरस्वती पीठ नी वात तमने करी तो जैन शासन ने मान्य होय एवी 4 सरस्वती ना प्रागट्य स्थानो छे जे आ अवसर पीढ़ी नी अंदर सरस्वती ए जग्या उपर ए प्रगट थया होय। सौथी पहलू स्थान छे राजस्थान नी अंदर अजारी तीर्थ छे अजारी ये आगळ कलिकार सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य भगवंत एमने त्या आगळ जे छे ए सरस्वती देवी प्रगट थया था। कोई क्वा राजस्थान यात्रा करवा माटे जाओ तो खास अजारी जजो अने त्या आगळ सरस्वती जी ना दर्शन करजो। बीजू स्थान छे पालीताणा नी अंदर तमे गिरिराज चढ़वानी शुरुआत करो अने हजू तो थोड़ा पगथिया तमे चढ़या नथी तो समवसण मंदिर नी पहला जे छे जमणा हाथ तरफ एक नानी सरखी देरी आवे छे ए जग्या उपर पालीताणा नाम जेना उपर थी पड्यु छे ते पादलिप्त सुरीश्वरजी महाराज ए पादलिप्त सुरीश्वरजी महाराज ने एज जग्या पर सरस्वती जी प्रगट थया था। आ सरस्वती जी नु आ बीजू प्रागट्य स्थान छे। तीजू प्रागट्य स्थान काशी नो गंगा तट जेने अत्यारे आपणे बनारस तरीके ओळखीए छीए ए काशी ना गंगा तटे उपाध्याय यशो विजय जी महाराज जेने जैन शासन नी अंदर अद्भुत ग्रंथों नी रचना करी एवा उपाध्याय जी भगवंत ने ए काशी ना गंगा तटे सरस्वती जीए दर्शन आपेला तो ए पण जे छे ए सरस्वती नु प्रागट्य स्थान छे। अने चौथा नंबर नी अंदर अमदावाद थी पण तमने नजीक पड़े अने तमने सूरत थी पण नजीक पड़े एवु जे स्थान आ स्थान जे छे ने अत्यार सुधी बहु गुप्त रह्यु छे ए स्थान छे भरूच नी अंदर। भरूच नी अंदर मुनि सूरत स्वामी नु देरासर छे अने देरासर नी बाजू मा ऋषभ जे ऋषभ कवि थई गया ऋषभ दास कवि ए ऋषभ दास नी खड़की छे ए खड़की नी अंदर जे देरासर छे ए देरासर पण ए सरस्वती नु प्रागट्य स्थान कहेवामां आवे छे। प्रसंग एवो बन्यो तो के विजय सैन सुरीश्वरजी महाराज जे अकबर प्रतिबोधक हीर सुरीश्वरजी महाराज अने એમની જ પરંપરાની અંદર એમના જ શિષ્ય તરીકે વિજય સેન સુરીશ્વરજી મહારાજ આવ્યા પોતાના શિષ્યો હતા અને પોતાના શિષ્યો થોડી જે છે મંદમતી વાળા એમને વિચાર આવ્યો કે આગળ જતા શાસનની રક્ષા કોણ કરશે એટલા માટે એમને જે છે સરસ્વતી નામનો એક પર્વ આવે એક દિવસ આવે જ્યોતિષની દ્રષ્ટિએ અને એ દિવસની અંદર એ મુહૂર્તની અંદર તમે અમુક ઔષધિઓ ભેગી કરો અને એ ઔષધિનું તમે પાન કરો
તો તમને જે છે એ તમને જ્ઞાન ચડે, તમને જ્ઞાન ચડે. કુવલય માલા નામનો એક ગ્રંથ છે અને ગ્રંથની અંદર લખ્યું છે, કોઈકે પ્રશ્ન કર્યો કે જે કઈ સમજો જ્ઞાન ન ચડે તો એ તો કર્મનો ઉદય કહેવાય, કર્મનો ઉદય કહેવાય. ભાઈ કોઈકની અંદર જ્ઞાનાવરણીય કર્મ બાંધ્યું હશે તો એના હિસાબે તમે